स्कूल की नई टीचर ने अब तक शादी नहीं की थी। क्लास की लड़कियां इस पर उनका मजाक उड़ाने लगीं। टीचर ने नाराज होने के बजाय क्लास की लड़कियों को एक कहानी सुनाई। एक औरत की 5 बेटियां थीं। शौहर ने बीवी को धमकी दी कि अगर इस बार भी लड़की पैदा हुई तो वो उस लड़की को बाहर सड़क पर फेंक आएगा। लेकिन किस्मत से 6ठी भी लड़की पैदा हुई। शौहर ने बच्ची को उठाया और रात के अंधेरे में शहर के बीचों बीच चौराहे पर रखाया। माँ अपनी ममता से मजबूर पूरी रात नन्ही सी जान के लिए दुआ करती रही। सुबह उसका शौहर जब चौराहे से गुजरा तो देखा उसकी बच्ची वहीं पड़ी है। शौहर बच्ची को वापस घर ले आया, लेकिन दूसरी रात फिर चौराहे पर रखाया। रोज यही होता रहा। हर बार वो बच्ची को बाहर रखाता और जब कोई ना लेकर जाता तो मजबूरन उसे वापस उठा लाता। यहाँ तक कि बच्ची का बाप इसको खुदा की रजा समझकर राजी हो गया। इस आदमी को अल्लाह ताला ने 6ठी बेटी के बाद 5 बेटों से नवाजा, लेकिन हर बेटे के बाद उसकी बेटियाँ फौत होती गईं। यहाँ तक कि सिर्फ एक ही बेटी जिंदा रही, जिससे बाप जान छुड़ाना चाहता था। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े हो गए, माँ फौत हो गई। टीचर ने कहा, वो बच्ची जिसे उसका बाप बाहर सड़क पर रखाता था वो मैं हूँ, और मैंने अब तक शादी इसलिए नहीं की कि मेरे वालिद बहुत बूढ़े हो गए हैं। वो अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते और मेरे अलावा उनका कोई नहीं जो उनकी खिदमत कर सके, और वो 5 बेटे कभी कभी आकर अपने बाप का हाल चाल पूछ जाते हैं। मेरे वालिद अक्सर रो रो कर मुझसे कहा करते हैं, मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ मैंने बचपन में तेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ करना। मैं बहुत शफकत से उनसे कहती हूँ, बाबा देखें अल्लाह ताला ने मुझे आपके लिए जिंदा रखा ताकि मैं आखिरी दम तक आपकी खिदमत करके अपनी आखिरत सवार सकूं।